अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम खाने के लिए लेते हैं लेकिन खाते नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम पीने के लिए लेते हैं लेकिन पीते नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम सोने के लिए जाते हैं लेकिन सोते नहीं, और कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा कपड़ा है जो कि हम पहनने के लिए लेते हैं लेकिन पहनते नहीं। आखिर आप सोच रहे होंगे ये सवाल मैं कर क्यों रहा हूँ। जी हाँ, इसकी एक खास वजह है। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कि गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं, या तो कुछ भीख मांग रहे होते हैं, कुछ लोग गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनको कभी पैसे नहीं देता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैसे मैं उस वक्त दूंगा जब तुम मेरे सवाल के जवाब दोगे। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, अगर हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया तो फिर आप पैसे दे दीजिएगा। मैं उनकी जहनी सतह को मद्देनजर रखते हुए ही उनसे सवाल करता हूँ, और कभी वो सवाल का जवाब देते हैं, कभी वो सवाल का जवाब नहीं देते। इससे होगा क्या, इन सवाल करने से होगा क्या? इससे ये उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने वाला दिमाग है जो कि बंद हो चुका है, वो सोचना शुरू कर देगा, और शायद इसकी वजह से उनके अंदर एक डिग्निटी आएगी। जो एहसास कमतरी का जो लोग शिकार हो चुके हैं, वो एहसास कमतरी ख़त्म हो जाएगी। अगर यही सवाल वो बच्चे पलट के अपने मालिक से कर ले, अपने गाड़ी साफ करवाने वाले से कर ले, तो बताए, और वो जवाब ना दे पाए तो बताए उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। यानी कि एक बच्चा जो कि कभी 8 साल स्कूल नहीं गया और रोड पर भीख मांग रहा है, वो आपसे ये सवाल कर रहा है। तो यही डिग्निटी दिलाने के लिए, यही सोच उनके अंदर मुंतकिल करने के लिए, शायद वो लोग तालीम को हासिल कर लें, शायद उनके अंदर भी तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा हो जाए। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।